हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियाज रसोई एट जियाज आर्टिस्ट्री। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला बैंगन। तो यहाँ पर आज जो हम बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाले हैं वो बिल्कुल ही हम अलग स्टाइल से आज सब्ज़ी बनाएंगे, यहाँ पर बिल्कुल चटपटी सी सब्ज़ी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मसाला बैंगन बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए बैंगन। तो आप देख सकते हैं बैंगन मैंने पहले से ही काट के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बना रही हूँ छोटे वाले बैंगन से। तो जो छोटा वाला बैंगन होता है इसका हमें टॉप नहीं चाहिए, तो जो डंठल है हम इसको निकाल देंगे और उसके बाद हमने इसको वॉश कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद हमने बैंगन के जो है ऐसे फ्रेंड्स गोल स्लाइसेस में बैंगन काटना है। जो बैंगन का शेप है, जो साइज़ है, वो ऐसा ही रखेंगे हम, बिल्कुल गोल स्लाइसेस में हमने इसे काटना है। तो बैंगन हम काट चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं एक पैन ले रही हूँ। पैन में मैंने एक चम्मच ऑयल गरम किया है और उसके बाद जो बैंगन के स्लाइसेस हैं वो हम इसमें डाल देते हैं और थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही रोस्ट करेंगे जब तक कि बैंगन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता है, हल्के से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। तो उतनी देर हमने इसको रोस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंगन का जो कलर है वो चेंज हो चुका है और हल्के हल्के ये ऊपर से आप देख लेंगे क्रिस्पी नज़र आ रहे हैं। तो अब हम गैस को कर देते हैं ऑफ़, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे और तब तक हम तैयार करेंगे मसाला। तो मसाला बनाने के लिए मुझे चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ा प्याज जिसको हमने कद्दूकस किया था, साथ ही मैं ले रही हूँ दो टमाटर कद्दूकस करके, और यहाँ पर ले रही हूँ 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और 3 हरी मिर्च जिसको हमने बीच में चीरा लगा के उसके छोटे 2-3 पीसेस कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम एक बड़ा चम्मच हमने ऑयल गर्म किया है और जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो जाता है तो उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे ज़ीरा। तो मैं ले रही हूँ आधा चम्मच ज़ीरा। और ज़ीरा डालने के बाद हम इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन और हरी मिर्च सारी चीज़ों को हमने फ्रेंड्स एक साथ डाल देना है। तो अभी आप देख सकते हैं जो टमाटर का जो हल्का सा रस था वो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी इसको हम थोड़ा सा सूखने देंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही। और जैसे ही हल्का सा ड्राई होने लगेगा तो उसके बाद हम इसमें जो है फ्रेंड्स मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा ही चम्मच हम यहाँ पर लेंगे धनिया पाउडर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं और मसाले को थोड़ा सा पकने देते हैं और थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, मसाला जो है देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और एकदम स्मूथ भी हो गया है क्योंकि हमने सारी चीज़ें कद्दूकस करके डाली थी। तो देखिए मसाला जो है एकदम ड्राई दिख रहा है। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें ऐड करना है दही। तो मैं यहाँ पर 2 बड़े चम्मच जो है दही ले रही हूँ। दही हम एकदम फ्रेश दही लेंगे, नॉर्मल दही भी ले सकते हैं आप, लेकिन दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए या उसमें हल्की सी स्मेल नहीं होनी चाहिए, वरना सब्ज़ी का टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्रेश दही ही लेंगे। और दही डालने के बाद देखिए अब सब्ज़ी जो है एकदम से हमारा जो मसाला है सब्ज़ी का वो एकदम ड्राई हो चुका है और बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। तो जैसे ही मसाला हमारा तैयार होता है तो हम यहाँ पर जो हमारे बैंगन के पीसेस थे वो हम इसमें डाल देते हैं। और पीसेस डालने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर चम्मच ले रही हूँ, मैं इसको चम्मच से ही मिलाऊंगी, बड़े कड़छे से हम इसको नहीं मिलाएंगे वरना जो पीसेस हैं वो हमारे टूट जाएंगे। तो मैं यहाँ पर चम्मच से जो बहुत ही आराम से इसको मिला रही हूँ और 1 से 2 मिनट हमने सिर्फ इसको पकाना है और उसके बाद हमने गैस ऑफ कर देनी है। तो फ्रेंड्स हमारा मसाला बैंगन जो है वो तैयार है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया दिख रहा है और जैसे मैंने आपको बोला कि हम इसको बाद में चम्मच से मिला रहे हैं हम इसे, तो उससे क्या होगा फ्रेंड्स ये जो पीसेज हैं वो आपने देखा कोई भी पीस टूटा नहीं है, बिल्कुल गोल शेप में ही है ये। और जब हम मसाला और बैंगन को मिक्स करेंगे फ्रेंड्स तो उसके बाद हमने सिर्फ 1 से 2 मिनट ही सब्ज़ी को पकाना है और बहुत ज़्यादा देर हम सब्ज़ी नहीं पकाएंगे क्योंकि बैंगन जो है वो हमारे ऑलरेडी शैलो फ्राई हमने किए थे तो पक चुके हैं और मसाला जो है वो हमने काफ़ी अच्छे से भुना है मसाले को। तो दोनों चीज़ें तैयार हैं, बस दोनों को आज हम आपस में मिलाते हैं। तो उसके बाद हमें 1 से 2 मिनट ही इसको पकाना है, वो भी धीमी आँच पर, और उसके बाद हमने कर देनी है गैस ऑफ। तो फ्रेंड्स ऐसे ही बनाइए मसाला बैंगन, बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, ज़रूर ट्राई कीजिए। प्लेन चपाती के साथ सर्व कीजिए।